नंबर 19 ओके दे चुका हूं ना। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? कुछ चेंज करना होगा। बाकी लोगों का? चलो ठीक है, जब कोई नहीं बोल रहा मीन्स अच्छा है। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ऐसे तो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर पहला में किसी को दिक्कत है? फर्स्ट नंबर में इसमें कुछ नहीं करना था। क्या कह रहा है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर, यानी ये आप जानते हो हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कह रहा है ना, तो इनमें से जो भी A1 A2 की वैल्यू आएगी, देखना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इसमें से होगा जिससे यह नो सॉल्यूशन हो जाए। तो आप क्या करोगे, रो इकलन फॉर्म में वो चेंज करोगे ना, वो मैट्रिक्स बना करके AB, ठीक है ना। आप वहां से रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ AB होता है। ये आसान है ना, ये हो गया है, हाँ सर। ठीक है। और किसी को पूछना है बतला दीजिएगा। नहीं, हाँ बोलिए, ठीक है, ओके। इसमें आपने क्यों नहीं किया था बोलिए, इसमें क्या दिक्कत था? आपने किया है? नहीं, हम क्या सर, एक्चुअली ये किया है। ओके। तो इसमें क्या है, ये जीरो हो रहा है ना, ये मिला जुला करके ये जीरो हो गया। जीरो इंटू बाउंडेड वन, वन इंटू ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना, वन अपन जीरो, तो यह क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। एक्चुअल ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, फिर भी ऑप्शन दे दिया, हो गया था तो हमारा सही हो गया, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो एक्चुअल में क्या था आपका, कुछ ऐसा था। फिर भी सही है, कोई गलत नहीं है। e का पावर वन अपन एक्स ये था। तो ये क्या हो गया, ये वन टू डी पावर इनफिनिटी का फॉर्म हो गया ना। तो ये क्या होगा, e का पावर बेस माइनस वन कैंसल आउट हो जाएगा। बेस माइनस वन इंटू पावर करोगे तो क्या बचेगा, एक्स साइन वन अपन एक्स टू डी पावर फोर, इसकी लिमिट की वैल्यू जीरो, यानी e का पावर जीरो इक्वल वन हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी आ रहा था, लेकिन यह यहां मल्टीप्लाई हो गया था, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। ग्रुप थ्योरी का, हाँ ग्रुप थ्योरी का कल संडे हो जाएगा ना, देखते हैं, कभी बीच में क्लास लगवा देता हूँ आपका ग्रुप थ्योरी का, सावन सर क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। तो वो एक दिन आएगा, अभी आज तबीयत खराब है, थोड़ा फीवर है, तो नहीं तो मैं संडे को क्लास ले लेता। हाँ, ये काफी लोगों ने नहीं किया था, क्या दिक्कत है इसमें? अब हो गया है, तो हाँ सर, हो गया आपने क्लास में एग्जाम के समय क्यों नहीं किया होगा? है सर। वो एग्जाम के समय A और D में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। ओके ओके। और किसी को ये बतलाना है क्या, और किसी को बतलाना है? ये क्या कर रहा है कि y ऑफ x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ठीक है ना। यह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गया, तो पहले तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कैसे अप्रोच करते हैं, पहले अप्रोच के बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर dy अपन dx है ना, तब आप पहला स्टेप ये होता है कि dy अपन हम dx निकालते हैं, क्योंकि
क्योंकि हम प्लस टू में हमने स्टार्ट ऐसे ही किया था, इसलिए मैं भी यहीं पर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो dy अपन dx क्या हो जाएगा आपका, यदि आप dy अपन dx निकालते हो तो इसको इधर और इसको इधर करते हैं, यानी 2y स्क्वायर माइनस x क्यूब अपन क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। ये हो गया। अब दोनों को सेपरेट करने से कुछ मिल रहा है क्या? यदि मैं दोनों को अलग अलग करूं तो क्या कुछ बन रहा है? कुछ बन नहीं रहा है ना, अलग करने से कुछ बन नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेक करता हूँ क्या हो रहा है। dy अपन dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 कैंसल, y अपन x हो जाएगा माइनस माइनस x स्क्वायर अपन 2y हो जाएगा, यही ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम चेक करेंगे लीनियर में। तो लीनियर में भी नहीं हो रहा है ना, इसको आप इधर लाते हो, यदि आप इस चीज को इधर ला रहे हो तो लीनियर में हो जाएगा शायद, लग रहा। चेक करते हैं। तो इसको मैं 2y से मल्टीप्लाई कर दिया, dy अपन dx माइनस 2y स्क्वायर अपन x इक्वल टू माइनस x स्क्वायर। ये समझ में आया, मैं डायरेक्ट लिखा हूं, इस चीज को इधर लाया हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाबू ध्यान से देखिए, तो इसका डेरिवेटिव यहां पर है ना, यानी ये कहां पर रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हो जाएगा, तो सॉल्यूशन निकल गया तो y ऑफ 1 इक्वल टू 1 से सेटिस्फाई कर लीजिए कौन सा हो रहा है। देख लीजिए इसका डोमेन क्या आएगा, जब आप निकालोगे तो जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तब डोमेन उसका निकाल लोगे ना। yes, तो डोमेन से पता चल जाएगा ना कि इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन, कैसा आ रहा है सोल्यूशन, अपने निकाला है ना, बतलाइए। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तब तो उतना मैं काम क्यों करूं, फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, एक चीज ये है। और दूसरा, ये तो मैंने ऐसे चला क्योंकि मैं मिस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मैं इस टाइप से चला और हो गया, मुझे लगा कि नहीं होगा। जब तो जब मैं यहां पर आया तो मुझे लगा कि अब कैसे होगा, फिर जैसे मैं देखा ना यार यहाँ पर वाई स्क्वायर यहाँ पर 2y आ रहा है, इसका डेरिवेटिव यहां पर दिख रहा है, तो मुझे रास्ता दिख गया। तो आप डायरेक्ट सोचोगे ना तो जरूरी है कि वो आपको दिखे। आप पहले एक स्टेप चलिए, फिर उसके आगे के स्टेप्स के बारे में सोचिए, एक साथ तीन स्टेप या तीन स्टेप दूर के लिए मत सोचिए। पहले फर्स्ट स्टेप नहीं होता है, सॉरी, पहले फर्स्ट स्टेप आगे बढ़िए, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप्स के बारे में सोचिए। रास्ता नहीं मिलेगा तो आप लौट आइएगा, यदि मेरा यहां से नहीं होता तो फिर मैं कैसे ट्राई करता। ये हम क्या निकालते हैं, आप लोगों को याद होगा ना कि हम कैसे निकालते हैं, इसको m लेते हैं और इसको n लेते हैं, इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4y आएगा, और इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस यानी 2y आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस करके इससे डिवाइड दे रहे हैं तो किसका फंक्शन हो रहा है, x का फंक्शन हो रहा है, तो यहां से डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल रहा है, यानी यह एग्जैक्ट नहीं हो रहा है ना, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मींस ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जब एग्जैक्ट नहीं है तो हमें एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एन एन। तो ये किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन हो रहा है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को जब मैं बोल रहा हूं तो। यस सर, यस सर। तो हो गया, आसान था, भले यहां से थोड़ा लॉन्ग चला गया, लेकिन यदि हम एग्जैक्ट वाला कॉन्सेप्ट से प्रोसीड करें तो ये मेरे लिए आसान हो गया। तो और मान लो कि आप रूम पर इतना लॉन्ग सोचे, तो अब इसको अपने इस चीज से अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करो कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना तो हम पहले एग्जैक्ट वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा इजी हो रहा है, हमारा टाइम बच रहा है।
तो एग्जैक्ट वाले से करोगे तो हो जाएगा। वैसे भी आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको दिख जाएगा कि कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि मेरे पास हजार काम है ना, मैं आपके लिए पेपर भी बना रहा हूँ, सबके क्वेरी भी सुन रहा हूँ, सबको डाउट भी बतला रहा हूँ, तो मेरे पास अभी बहुत काम है। तो ये आसान था, कुछ था नहीं, ये हो गया है। किसी को पूछना है? चलिए अच्छी बात, ये वाला क्वेश्चन ये पोलर में बाबू अब चेंज कर देना, इजीली हो जाएगा। तो बीटा ग्रेटर देन वन के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पोलर में चेंज करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये तो इजी था ना, ये तो बहुत ज्यादा इजी था। तो आप यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे, सबसे इजी क्या है, रेशियो टेस्ट ना। रेशियो टेस्ट करने से लेस देन वन आएगी ना लिमिट, आपने किया है क्या? तो लेस देन वन आ गया, डेट मीन्स किया क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन बी हो गया। ये तो बहुत ज्यादा इजी था, यहाँ पर स्क्वायर है ना, ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी, यह स्क्वायर दे रखा है बाबू, पॉजिटिव टर्म कन्वर्जेंट हो रहा है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट होगा, श्योर हो गया। क्लियर है? इसमें एक मैं क्वेश्चन सोच रहा हूं, अभी अभी क्लिक किया, चलो क्लिक किया तो बतला देता हूं। जैसे सपोज दैट कुछ ऐसा कहे कि बीएन टेंडिंग टू बाबू जीरो जा रहा है, ठीक है ना, एंड एंड समेशन ऑफ एन कन्वर्ज कर रहा है, और साथ में समेशन ऑफ बीएन क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, कुछ ऐसा है। तो यहां पर पूछेगा आपसे कि समेशन ऑफ ए एन बी एन क्या कन्वर्ज करेगा, बताइए। हाँ, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, मीन्स ऐसे इन जनरल, जब मैं कुछ नहीं बोला हूं तो आप इन जनरल बोलोगे ना, इन जनरल के केस में क्या ये कन्वर्ज करेगा? नहीं करेगा, इन जनरल के केस में नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि एन की वैल्यू अल्टरनेटिंग है, मीन्स अल्टरनेट ले रहा है, मैं एन को ऐसे डिफाइन कर दूं या इस टाइप से डिफाइन कर दूं, एक मिनट, समेशन माइनस वन टू द पावर ए एन एंड एन एन ग्रेटर देन जीरो। अब बतलाइए तो अब ट्रू है या फॉल्स है, क्या ये अब कन्वर्ज करेगा, क्या ये कन्वर्ज करेगा? अब कर जाएगा ना कन्वर्ज, क्योंकि यह कन्वर्जेंट, ये मैं दे रखा हूं कि ये कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। तो जब अब ये कन्वर्ज कर रहा है और ये डाइवर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, तो जब डाइवर्ज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यह जीरो पर जा रहा है ना, और ये है हा? तो जरूरी है कि करेगा, कैसे हम कर सकते हैं, एन बी एन तो जीरो की तरफ जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, साथ में डिक्रीजिंग भी तो होना चाहिए, तो डिक्रीजिंग वाला केस हमें चेक करना पड़ सकता है ना। तो बी एन यदि मैं ऐसा लेता हूं, एन ऑड लेता हूं और वन अपन एन स्क्वायर एन इवन लेता हूं, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से लेता हूं, और यहां पर ये इस केस में तो ये ये हो जाएगा ना, और यहां पर ये ले लिया बी एन, यानी बी एन को मैं ऐसे डिफाइन कर दिया माइनस ए एन बी एन, ठीक है ना, ये मैं डिफाइन कर दिया, सही है, और बी एन में ये ले लिया। अब इसको मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो यदि मैं इसको यहां पुट करूंगा तो समेशन हो जाएगा, ये अब कन्वर्ज नहीं करेगा, ऑड पर क्या आएगा, समेशन ऑफ ऑड टर्म आएगा, ठीक है ना, तो ये अब कन्वर्ज नहीं करेगा, ये कन्वर्ज नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना, यदि आप बी एन ये लेते हैं तो,
क्योंकि डिक्रीजिंग नहीं है, ये मैं एक बार क्लास में बतलाया था आप लोगों को, याद होगा तो याद है, चेक करो आप पुट करके देखो, ये कन्वर्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑड टर्म पर हमेशा क्या आएगा, माइनस वन, माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई फाइव, माइनस वन। अब माइनस को कॉमन ले लो, और एन स्क्वायर वाला ये हमेशा कन्वर्ज करेगा ना, इस पर आप समेशन अप्लाई करोगे तो फाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना, माइनस इनफिनिटी यानी अनडिफाइन होगा ना, एक तरह से फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी ना, मीन्स ये डाइवर्ज करेगा यहाँ पर, जबकि लिमिट जीरो पर जा रही है, ध्यान देना। तो ये क्लियर है। अब मैं आता हूं इस पर, अब ये हमने लिया था ना, एक मैं काम करता हूं बाबू, इसको अंडर रूट एन कर देता हूं, अब सही है। अब यहां पर मैं ये ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, कन्वर्ज कर रहा है, अभी भी सही है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, वाह हमने कर दिया, तो जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जब इसको यहाँ पर पुट कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन बी एन, ए एन बी एन, और ए एन बी एन बाबू क्या होगा, निकाल लो ए एन बी एन, यहां से क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा वन बाई एन, जब एन ऑड होगा, और वन अपन एन टू द पावर थ्री बाई टू होगा जब एन इवन होगा, सही है। अब आपको यहाँ पर, अब आप इस चीज को यहाँ पुट कीजिए, क्या कन्वर्ज करेगा, नहीं करेगा ना, देखो एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, लिख लो आप, तो ये डाइवर्ज करेगा यानी ट्रू नहीं है ना, उस केस में भी समझ में आया ना, ठीक। तो थोड़ा सीक्वेंस सीरीज ना, थोड़ा बहुत डीपनेस है इसमें, दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक प्योरली अप्लाइड टाइप का आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम, एक आएगा थ्योरेटिकल या एग्जांपल, आपको सोचना होगा काउंटर एग्जांपल, बहुत डीप में जाकर के अच्छे से सोचना हो, लिख लीजिए, अच्छा अच्छे से हो गया ये, यानी ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो रहा इस केस में भी, यानी जब इसको अल्टरनेटिव रख रहा हूं फिर भी ऑलवेज ट्रू नहीं हो रहा, और एन ग्रेटर देन जीरो के केस में तो वैसे भी ट्रू नहीं होगा, जैसे एग्जांपल, एक मिनट, एन ग्रेटर देन जीरो ना, तो एन ग्रेटर देन जीरो के केस में ट्रू हो जाएगा, यदि ये एन है और ये समेशन ऑफ बी एन है, ये डाइवर्ज कर रहा है और बी एन जीरो पर जा रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना, ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या करेगा बाबू, कन्वर्ज करेगा, कब, जब एन आपका ग्रेटर देन जीरो है तब, ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू, लेकिन इस केस में ऑलवेज ट्रू नहीं है, यानी इन जनरल ऑलवेज ट्रू नहीं है, या अल्टरनेटिव सीरीज के भी केस में ऑलवेज ट्रू नहीं है, लेकिन इस केस में ऑलवेज पॉजिटिव के केस में ऑलवेज ट्रू है, यानी कहने का मतलब कि आपके पास दो सीरीज है एन और बी एन, बी एन इसको हटा दो, यह कन्वर्जेंट है और बी एन आपका बाउंडेड है, बी एन क्या है, बाउंडेड है, तो समेशन ऑफ एन इंटू बी एन भी बाबू क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये क्या है, एक तरह का बाउंडेड है ना, ये बाउंडेड है, उस केस में ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। आप कहोगे सर यहां भी तो बाउंडेड आ रहा है, ये भी तो बाउंडेड ही है ना, bn टेंड्स टू 0 पर 0 हो रहा है, ये बाउंडेड ही है, ठीक है ना, ये बाउंडेड है और बाउंडेड है, और साथ में एक मिनट, ये मैं टोटल लिया था ना, ये मैं टोटल लिया था, नहीं इसका नाम un दिया था और vn दिया था, फिर भी ये तो बाउंडेड ही है, तो बाउंडेड क्या हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, तो अल्टरनेटिव, तो यहां भी बाबू कंडीशन आ रहा है ना, देखा जाए तो ध्यान से कंडीशन आ रहा है ना, चेक कीजिए तो देखिए कंडीशन आ रहा है, मैं दिखलाता हूं,
थोड़ा सोचना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, और एक मैं बाउंडेड सीक्वेंस बी एन इक्वल टू ये ले लेता हूँ, ये बाउंडेड है। अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट होगा, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो रहा है ना। कैसे नहीं हो रहा है? यदि मैं एन को ये ले लू, ये ले लू, अब आप यहां पर पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, वन बाई एन आ जाएगा ना। तो ये ऑलवेज ट्रू कब है? ऑलवेज ट्रू कब होगा? जब एन ग्रेटर देन जीरो होगा, ये ध्यान देना। अब गलती नहीं होगा ना, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हो, जैसे मैं सोच रहा हूं ना, तो आप भी सोच सकते हो। ऐसा नहीं कि मुझे आपसे ज्यादा आ रहा है, जितना ज्ञान था आपको मैं दे चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये तो आसान था ना, रॉल्स थ्योरम अप्लाई करना था, हो गया है कि कराना है? किसी को पूछना है क्या? ये तो और ज्यादा इजी था, एमएस पेपर का ये क्वेश्चन मैंने उठा करके यहां डाला था। तो इसकी लिमिट वन आएगी, कुछ था नहीं यहां पर, इसकी लिमिट वन और इसकी भी लिमिट वन, टोटल की लिमिट वन, तो वन अपॉन वन, तो कॉन्टिन्यूस कभी होगा ही नहीं। ये तो क्लास में करा दिया था ना, हो गया है ना। ये यहां से हमें दिख गया था, और ये एक रिलेशन आ गया था, हमने इन जनरल निकाल करके कंपेयर कर लिया था, हो जाएगा। या वीडियो देख लेना, वो एमएस वाला वीडियो देख लेना, ये भी आसान है, ये कराने की जरूरत नहीं है। वन वेरिएबल में चेंज कर, ये भी आप लोग कर लोगे। सिंपली इंटीग्रेट करना है, वाई के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर लेना, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना इजी है। तो उसके लिए ऑर्डर को आपको चेंज करना होगा, जैसे आप चेंज करेंगे आपसे इंटीग्रेट हो जाएगा। ए बी एनी थ्री क्रॉस थ्री रियल नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छी बात, ये पहले ही नॉन डायगोनल कर दे, कोई बात नहीं, हम लोअर अपर ट्रायंगुलर तो ले सकते हैं ना। With A inverse equal to A है, अच्छा, यानी A square equal to I हो गया। A square equal to I का मतलब कुछ होता है ना, ठीक। तो then the sum of trace A and determinant of A is equal, यानी दोनों का सम क्या होगा, ट्रेस और डिटर्मिनेंट ऑफ A का सम क्या होगा, तब कैसे निकालोगे? सिंपली 3x3 की मैट्रिक्स ले लेना, और क्या, या आप पॉसिबिलिटी निकाल लो, 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक ये आपको इस चीज को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बाबू नहीं है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यानी रूट रिपीटेड हो रहा है, ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री 3 होती है, यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, ये 3 नहीं है। तो 3 हम कैसे कैसे बना सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप ऐसे बना दो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि रूट रिपीट करेगा ना, रूट रिपीट करेगा, आइगन वैल्यू रिपीट करेगा, क्योंकि आपको मैं बतलाया हूं कि यदि कोई मैट्रिक्स किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो उस पॉलिनोमियल में उस आइगन वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग सभी फैक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। तो यहां पर यही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मींस वन और माइनस वन ही आइगन वैल्यू पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई आइगन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल है, तो यह आइडेंटिटी भी नहीं होगा, यानी a इक्वल टू, जब जैसे a इक्वल टू i हो रहा है, तो a इक्वल टू i भी तो बाबू हो सकता है ना डायगोनल के केस में, इसलिए यह नॉन डायगोनल बोला है, इसीलिए बोला गया कि यह नॉन डायगोनल है, ताकि आपको वन और माइनस वन दो आइगन वैल्यू मिले। यदि यह नॉन डायगोनल नहीं बोलता तो यह लिखना जरूरी नहीं था, यह गलत भी हो सकता था, ऑलवेज ट्रू नहीं होता। यानी कहने का मतलब कि यदि किसी पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है इन जनरल तो जरूरी नहीं कि यह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा या यह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ये भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो सकता है। एग्जाम्पल 3x3 के केस में एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
यानी कहने का मतलब कि यदि x माइनस वन इक्वल टू जीरो हो रहा है, यानी a माइनस आई इक्वल टू बाबू जीरो हो रहा है, अब आप इसमें किसी भी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट ऑलवेज जीरो ही आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका आइगन वैल्यू हो जाएगा। जो 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 जिस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे और उस पॉलिनोमियल का जो रूट होगा, जरूरी नहीं है कि इसका आइगन वैल्यू हो जाए। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, आप ये ध्यान देना। एक बार मैं और डिस्कस किया था रिवीजन कराते समय, जब मैं एले का रिवीजन करा रहा था तो इस पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया था। तो अब क्लियर हो गया, दोबारा आ गया तो यानी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि यहां नॉन डायगोनल देने का क्या मतलब है। यानी एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है, बस आपको उस चीज को इलोबरेट करना है, एक्सपेंसिव वे में सोचना है, और आपका यही काम है सोचना, क्योंकि जितना करना था आपने कर लिया और इतना सारा टेस्ट हो रहा है। आप लोगों का मिनिमम 50 टेस्ट हो चुका होगा ना अब तक, जो रेगुलर बच्चे हैं, 7 PYQ 20 और 15 × 15 कितना हो गया, 30 हो गया, 37 20, ये यानी मुझे लग रहा है कि 60 प्लस हो जाएगा। क्विज अभी अलग है, उसमें क्वेश्चंस कितने कितने हैं, मुझे लग रहा है कि उसमें क्वेश्चंस दो दो टेस्ट के बराबर, ऑलमोस्ट एक टेस्ट में क्वेश्चंस है। तो यदि आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो 70 प्लस हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चंस बहुत कर लिया है, बस आपको अब समझने की जरूरत है, एक एक स्टेटमेंट को, एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सपेंसिव करके, एक्सपेंस करके उसको अच्छे से समझने की जरूरत है कि उसका मतलब क्या है। क्योंकि जितना आप इस चीज को खोलने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे मेरा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। तो अब ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, यहां से 1 1 -1, यहां 1 -1 -1। तो आप सम और ट्रेस निकाल करके देख लेना, यहां से सम और ट्रेस, यानी ट्रेस और डिटरमिनेंट का सम निकाल करके देख लेना क्या आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आंसर फिक्स आएगा, तो ऑलवेज से जीरो आ रहा होगा, नहीं आप चेक कर लेना। ये तो आसान है ना, ये हो गया है क्या 70 नंबर? किसी को बतलाना है? अच्छी बात यार, या कुछ भी है, ये कुछ है नहीं। देखो P2 है ना, आप इसका स्टैंडर्ड बेसिस लिख लेना 1xx² और उसके अकॉर्डिंग देखो वही है, यह इन जनरल लिख दिया है, पूरा पूरा लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया ना, ये हो गया। तो पूछ रहा है कि नॉल स्पेस इक्वल टू जीरो करना, इक्वल टू जीरो करना। जीरो कब होगा, जब a इक्वल टू माइनस बी होगा, b इक्वल टू सी होगा, a इक्वल टू माइनस सी होगा। रिलेशन निकाल लेना और वहां से यहाँ पुट करके देख लेना कि नॉल स्पेस कौन सा होता है। तो ये बहुत इजी है, ये भी चेक करना, ये भी चेक। या रेंज कॉम्पोजिशन निकालना है ना, तो देखो टी ऑफ 1 + x पहले बाबू निकाल लेना इसकी हेल्प से। तो यहाँ a क्या है, 1 है, b क्या है, 1 है, c क्या है, 0 है। इसके अकॉर्डिंग ए बी सी आपको मिल गया, यहाँ पर पुट कर देना, जो भी आएगा यहाँ पर पुट कर देना और वापस से उसका फिर से इमेज निकाल लेना, क्योंकि वापस से क्या आएगा, यही पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। तो फिर से वापस यहाँ पुट करोगे, फिर से आप कंपेयर कर लेना ए बी सी क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करके उसको कर लेना, ठीक है। यानी ये कैलकुलेटिंग है, कुछ है नहीं, आप कर लोगे। इसका ट्रेस निकालना है ना, तो पहले आपको मैट्रिक्स चाहिए। तो मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, वो दे रखा है, कंपेयर करने आता है ना, इसको आप R3 से भी कंपेयर कर सकते हैं ना, मैं क्वेश्चंस करा के आपको बतलाया था, हो जाएगा। ये भी आप लोगों ने छोड़ रखा था, इसमें कुछ एरर है क्या, यहाँ पर y का क्या मतलब है भाई,
हाँ मुझे भी, मैं भी जब आंसर बना रहा था ना तो यहाँ पर दिक्कत आई थी, तो मुझे लग रहा है ना कि यहाँ भी एफ होना चाहिए, ठीक है ना, एफ होना चाहिए। अब आप कीजिए, अब आप लेबनीज रूल अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा ना, आसान है सॉल्व करना, करने के बाद देख लेना इनमें से कौन सा आंसर सही हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स। तो इसको इधर डिवाइड कर देना, एंड ये हो जाएगा आपका वाई डैश अपॉन वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। कैसे हो जाएगा इसका, एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट कर देना, अब हो जाएगा ना। ये हो गया है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन था। हाँ ये इसका ना ऑप्शन ए ट्रू होगा, एक्सपेंड वो कर रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये मुझे लगा ना कि वन पर डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो मैंने चेक किया तो वन पर डिफरेंशियबल है, क्योंकि वन रिपीटेड रूट है ना, सॉरी वन कर रहा हूँ, वन हाँ वन रिपीटेड हो रहा है ना यहाँ से, वन पर ये जीरो हो रहा है, तो ये रिपीटेड हो रहा था, इसलिए वन पर डिफरेंशियबल होगा। और बात है जिस पर रिपीटेड नहीं होगा वहां पर डिफरेंशियबल नहीं होगा, क्योंकि मॉड है ना, मॉड है, तो आपको रिपीटेड चेक करना था, तो मैंने रिपीटेड चेक कर लिया कि x equal to 1 रिपीटेड रूट है, तो 1 पर डिफरेंशिएबल होगा, मैं आपको ये कांसेप्ट बतलाया हूं, और वही सेम कांसेप्ट यहां लिख रहा है, क्लियर है, यानी डिफरेंशिएबल है तो वो रिपीटेड होगा, ठीक है ना, होगा ही होगा ना का सवाल ही नहीं। ये भी आसान था ना, हो जाएगा। बाकी लोग भी बोल रहा है, ऐसा मत करना कि सर एक के कहने से आगे आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन 60 है, समय कम है, तो मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप डाउट नहीं पूछोगे तो मुश्किल होगा सारा पेपर कवर करना, क्योंकि बहुत पेपर है। ये तो इजी है ना, ये कह रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज एट एक, तो ये कन्वर्ज करेगा तो ऑब्वियस है कन्वर्ज करेगा है, क्योंकि x इक्वल टू वन पुट कर दिया ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, मान लेते हैं कुछ देर के लिए 3 है, तो मॉड x लेस देन 3 के लिए क्या होगा, सीरीज हमेशा कन्वर्ज करेगा, मॉड x लेस देन 3 के लिए सीरीज कन्वर्ज करेगा, तो हो गया। तो मींस मैं इसी को लेकर के चला, वैसे दोनों को कंबाइन करने से कुछ और कंक्लूजन निकलता, लेकिन हमारा काम यहीं से हो गया, क्योंकि हमें वो चीजें नहीं देखना। फिर यहाँ पर यदि हम माइनस 4 पुट करते हैं एक्स के जगह पर, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग एन हो जाएगा, और 1 अपॉन लॉग एन का सीरीज क्या होता है, डाइवर्ज करता है। तो यह क्यू स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, पी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, हो गया। ये हो गया है क्या, क्योंकि ऑप्शन तो दे रखा है ना, तो डायरेक्ट एल अप्लाई कर दो, तो एल अप्लाई करने से क्या आ रहा है, कोई किया है, हो जाएगा ना। हाँ सर, एल अप्लाई कर दिया था। ठीक, ये आपने क्यों छोड़ रखा है, ओके रिड्यूस करना है। हाँ ठीक है, चेक करते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ, नहीं आएगा तो कुछ और दिन, किसी और दिन करेगा, तो फिर मैं ट्राई करता, अभी मैं ट्राई करता। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, कैन बी रिड्यूस टू, यानी इसको रिड्यूस करना है, कैन बी रिड्यूस टू, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू, तो इसको मैं ऐसा ले लू, एफ डबल डैश एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी एफ डैश एक्स का स्क्वायर
प्लस वाई इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, सही है, इक्वल टू जीरो। देखो ऐसे दिख रहा है ना थोड़ा बहुत आपको कि सर आपने तो ऐसे कभी किया ही नहीं, अब यहाँ जरूरत है, मैंने कहीं ना कहीं जरूर किया हूं। जैसे आप जेई का क्वेश्चंस वगैरह करते हैं ना, या इस बार का भी क्वेश्चंस, जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही सोचो, ऐसे भी सोच सकते हैं ना कभी कभी। या इसी बार का जो क्वेश्चंस था 2022 का, वहां डीवाई अपन डीएक्स देखने से ऐसा लग रहा था ना कि हमें उसका सोल्यूशन निकालना है, और ऐसे दे देता है तो ऐसा लगता है कि सोल्यूशन नहीं निकालना है, बस इसी वे में सोचना है। यानी कहने का मतलब कि जैसे एफ डैश लिख देता है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे उसी चीज को डीवाई अपन डीएक्स लिख देता है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये आपका माइंडसेट है सोचने का, तो इस चीज को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करने की भी तो जरूरत है ना। डीवाई अपन डीएक्स का मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन ही निकलेगा, उसका डायरेक्ट यूज डिफरेंशियल कैलकुलस में भी हो सकता है बिना सॉल्यूशन निकाले, जैसे इस बार के सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही थे। और सेम आप यहां से यहां भी आ सकते हैं और यहां से यहां भी आ सकते हैं, यानी जैसे आपको सोचना इजी लगे। तो मुझे मेरे लिए ऐसे सोचना इजी है, तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया, तो अब मैं सोच रहा हूं। तो जब आप सोचोगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है ना, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ है, एफ है यहाँ पर लिख लो एफ, तो क्या आ रहा है, कुछ सोचो यार, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर एफ डैश एक्स अपन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स अपन एफ डैश एक्स, दिख गया, अब हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव यहाँ है, इसका डेरिवेटिव यहाँ है, तो आप इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी पुट करोगे तो एल एन एफ ऑफ एक्स आएगा, वैसे मोड के साथ आएगा लेकिन हमें मोड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल एन एफ डैश एक्स आ जाएगा, सही है, प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, यानी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट कर दो, यानी इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट अब ln के ही टर्म में ले लेते हैं, तो यहाँ पर k टाइम्स कर देता हूँ, k टाइम्स यहाँ अल्फा है ना, चलो मैं बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ये हो गया। यहाँ से बाबू क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k टाइम्स f डैश x हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, चेक कीजिए, dy upon dx इक्वल टू क्या हो रहा है, dy, ओके ओके, ये पावर ऊपर जाएगा ना, तो आप बतला नहीं रहे हो, बस देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, dy upon dx अल्फा upon f of x हो जाएगा ना, यानी यहां पर y कर दीजिए, हो गया। थोड़ा सोचना था ना, हल्का सा, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन ए दे रखा है ना, तो ऑप्शन ए ट्रू नहीं है ना, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन डी ट्रू है, ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, देखो अभी करे ही देता, जो आज करे सो, जो कल करे सो आज करे, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, ओके ओके ओके, ऐसा क्यों, टेस्ट नंबर 19 ना, बहुत सारा टेस्ट हो गया। हाँ आपका ना टेस्ट प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहा है, ठीक है, तो कहां तक हो गया है, 1 से लेकर के 16 तक आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड हो गया है।
यानी जो भी प्रैक्टिस सेट होगा इसी पर होगा, यानी वो 23 है उसका भी टेस्ट होगा, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, उसका मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं फुल लेंथ टेस्ट में यूज कर लिया हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें छूट गई है, मैं यूज नहीं कर पाया हूँ, तो उसका भी टेस्ट होगा ताकि एक एक क्वेश्चन उस टेस्ट का कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था ना, ये भी हो गया, हाँ ये था आंसर इसका, डी है ना, चलो हो गया, चलो यही से निकाल लेता हूँ ताकि टाइम बचे, रिपोर्ट ना, तो मैंने भी टेस्ट दिया हूँ, यहीं से निकाल लेता हूँ, ताकि जो भी गलत हो यहीं से सुधार दिया, तो ये भी हो गया, 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 चलो डी हो गया, ठीक है। ये तो बहुत इजी है ना, कर लोगे ना आप? बोलिए, कराने की जरूरत है क्या 25 को? नहीं सर। अरे यार, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ सर। ओके ओके, ये सर डेफिनेशन होता है ना? डेफिनेशन है हाँ। ठीक, ये हो गया है? यस सर। ये ग्रुप थ्योरी का है तो वो लोग देख लेंगे। आप ये क्वेश्चन तुमने क्यों छोड़ रखा था? टाइम की वजह से ये बड़ा लग रहा था तो। बड़ा थोड़े, मींस थोड़ा, मींस ये सब सोच करके जाना है ना, इतना भी ये बड़ा नहीं है, मींस तुम इतना क्वेश्चंस किए हो डबल इंटीग्रल पर, ये चीजें इजी लगनी चाहिए ना। पहले हमें रीजन प्लॉट करना है तो रीजन प्लॉट कर लो, ये हो गया, फिर इसके बाद y इक्वल टू x हो गया, कहां से कहां जा रहा है, 1/x से y जा रहा है, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और ओके ओके, ये 1 से यहां पर 2 होगा ना, गलत हो गया, तो यहां पर 1 से 2 होगा, 1 से 2, ये आपका क्या है, सॉरी, हाँ ये आपका क्या है, ये x इक्वल टू 1 है और ये 2 होगा, सही है, यानी इस रीजन में ये दिया हुआ है, और ये है ना, ये स्प्लिट वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है ना, ये पीस वाइज फंक्शन है, तो 1/2 से 1 के लिए y 1/2 से 1 के लिए फंक्शन ये है, यानी 1/2 कहां आएगा, ये 1 है ना, और ये 1/2 आएगा बाबू, ये 1/2 आएगा, यहाँ पर 2,1/2 होगा, यानी y की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक 2,1 है, और ये पॉइंट है 1,1, तो इस रीजन में फंक्शन क्या है, यह है, और इस रीजन में फंक्शन क्या है, इस रीजन में फंक्शन क्या है, ये है, अब हो जाएगा, थोड़ा बड़ा था, चलो अच्छा है, डिसीजन था, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें ना, इसमें ऑप्शन केवल सी होगा, क्योंकि यहाँ 1/2 से 2, यहाँ 1/2 से क्या होना चाहिए, 1/2 से 1 से लेकर के यहाँ 2, चल यहाँ से 1 से 2 दिया है ना, यहाँ y 2 दिया, तो यदि मैं पैरेलली चलूं तो 1/2, हाँ यहाँ पर बाबू 2 होना चाहिए, यदि 2 होता ना तो ऑप्शन ए भी ट्रू हो जाता, लेकिन दिया नहीं है तो ऑप्शन केवल सी ट्रू होगा, तो ये आसान था, कुछ था नहीं इसमें, लेकिन वही है कि आप कितना सोच करके गए हो उस पर डिपेंड करेगा, ये आसान है ना? हाँ, 34 किसी को बतलाना था, 34 बतलाना था, किसी ने बोला है, ये भी आसान है।
हाँ यही बतलाना है क्या किसी को, किसने मैसेज किया था? आप हो क्लास में? यस या नो बोलिए। हाँ तो इसमें क्या है, ये आपका इस फॉर्म में है ना, तो आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे ना, यानी यहाँ पर आप लेबनिज रूल अप्लाई करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करने पर यही आएगा ना, समझ में आया कैसे किया हूं? ठीक। अब देखो बाबू इसका वैल्यू क्या है, इसके मतलब हम पूरा ये पुट कर सकते हैं ना, ऐसा मैं क्वेश्चन एक बार कराया था आप लोगों को याद होगा तो जैसे आप यहाँ पर पुट करेंगे क्या हो जाएगा, यह डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद अब चेक कर लेना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, अब हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 कराना है, नहीं सर ये हो गया। बाकी लोग भी, बाकी लोग तो इसमें आप कर लो इस टाइप से, क्या है कि यह आपका गिवन है ना कि बी इक्वल टू ये है, तो आप रैंक नलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हो, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है, एन स्क्वायर है। अब हमें नलिटी निकालना है, नल स्पेस निकालना है, यदि नल स्पेस हम निकाल लेते हो तो हमारा काम हो जाएगा। तो नल स्पेस में क्या होता है, टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, इंप्लाई बी ऑफ एक्स इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब हमें ये मालूम चल रहा है कि बी क्या है, यहां से बी हमें मालूम है कि ये है, यह है, और एन इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है, तो इसके सारे आइगन वैल्यू 0, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, -1 -1 डॉट डॉट एन टाइम्स -1 होगा। तो जब ये माइनस होगा तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल होगा, तो जब इन्वर्टिबल होगा तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो जब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो बी ऑफ एक्स तभी 0 है जब एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 मैट्रिक्स होगा, ये आपका 0 मैट्रिक्स है, यानी नॉल स्पेस का डायमेंशन क्या हो गया, 0 हो गया, नॉल स्पेस का डायमेंशन 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहां से रैंक ऑफ टी इक्वल टू कितना हो गया, एन स्क्वायर हो गया, तो रैंक तो निकल गया एन स्क्वायर। अब ट्रेस निकालना है ना, टी का ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस क्या होगा मुझे ये बतलाओ, आइगन वैल्यू चाहिए ना, तो ट्रेस क्या होगा, क्या ये ट्रेस सही निकला है, टी इज नॉन सिंगुलर का है, नो डाउट टी इनवर्टिबल है, ट्रेस क्या होगा, हम ट्रेस कैसे निकालेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा बतलाओ, हाँ यही डाउट है ना, मुझे भी यही डाउट हो रहा है। तो एक काम करते हैं ना, हम पहले मैट्रिक्स निकाल के वेरीफाई कर लेते हैं 2x2 से, ये ज्यादा बेटर है। तो यदि हम निकालेंगे तो यदि हम ट्रेस की बात करें, रैंक तो एन स्क्वायर हो गया, तो जब जब रैंक एन स्क्वायर हो गया तो इसके कोई भी एलिमेंट क्या होगा मैट्रिक्स का, 0 नहीं होगा, कोई भी मैट्रिक्स इसका एलिमेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा ना, 0 नहीं होगा। तो जब 0 नहीं होगा तो और इसमें डायगोनल पर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, एन स्क्वायर एलिमेंट होगा ना, तो ट्रेस कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। क्लियर है?
मैंने ए ये ले लिया तो बी इक्वल टू ये आ गया, ये बी आ गया, ठीक है। तो यहां से टी इक्वल टू टी एक्स इक्वल टू बी एक्स, तो एक्स क्या होगा टू क्रॉस टू से होगा, तो माइनस वन वन जीरो माइनस वन और वन जीरो 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 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस वन माइनस वन जीरो, यानी माइनस वन जीरो जीरो जीरो, सही है ना। यानी डायगोनल का एलिमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी एलिमेंट क्या हो जाएगा, यदि आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो फोर क्रॉस फोर का मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ पर माइनस वन आएगा ना, बाकी एंट्री जीरो जीरो कॉलम में अरेंज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जीरो कर दो, यहाँ पर माइनस वन कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर वन कर दीजिए ना, ये अब मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, तो जीरो और यहाँ पर माइनस वन, तो क्या आ जाएगा जीरो माइनस वन जीरो जीरो, जीरो माइनस वन जीरो जीरो, जीरो 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 माइनस, ऐसा मैट्रिक्स हो रहा है ना। टी हाँ यहाँ पर अब सही है, तो ट्रेस कितना हो गया माइनस एन स्क्वायर हो गया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। तो जब ऑप्शन ए नहीं होगा तो इसको हाँ। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। चलो पहले कर लेता हूं मैं बाद में, मुझे याद दिला देना। कुछ ज्यादा ही हो गया, थोड़ा सा ही बचा, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, वाह। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बना, ठीक। ये पूछने की जरूरत है, ये वाला तो इजी है ना, कहाँ गया, ये हो गया सिक्स नंबर। ये क्या है आपका m जो है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विद आइगन वैल्यूज 0 और 2 है, अच्छी बात है, एंड और विद रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यू u इक्वल टू u v एंड w आइगन वेक्टर, ओके ओके। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यू 0 और 2 एंड ए है, ओके, तीन 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 आइगन वैल्यू, वही तो कह रहा हूं विद द रिस्पेक्टिव या आइगन वेक्टर से, यानी कहने का मतलब ये है ना, डिफिनेशन पहले लिखो तो दिखेगा। तो मैंने एक लाइन पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि m into x equal to 0 है और x क्या है, ये आपका है 4bc equal to 0 है, फिर m into minus 1 to 0 equal to क्या है आपका 2 टाइम्स है ना, यानी माइनस टू फोर और जीरो है, सही है। फिर m इक्वल टू वन 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 इक्वल टू क्या है a a a, यही है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट a प्लस b माइनस c इक्वल टू 10। तो हमारे पास मैट्रिक्स तो है नहीं, और वो मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर्स होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी को पता है? आपस में ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब कि सबका डॉट आपस में क्या होगा, जीरो होगा। तो इनका डॉट कीजिए, किसी किसी का भी एक साथ डॉट कीजिए, तो जब डॉट करोगे तब क्या आ जाएगा माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर और यहां से माइनस फोर प्लस टू बी इक्वल टू जीरो, यानी b इक्वल टू क्या आ गया टू आ गया, और इसका इसमें बाबू डॉट कराओगे तो क्या आ जाएगा फोर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इंप्लाई b तो टू हो गया यानी c इक्वल टू माइनस सिक्स, सही है। यानी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास b और c आ गया ना, तो यहां पर b और c लिख दीजिए।
फोर माइनस फोर और सिक्स, ये इसके इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो आइगन वैल्यू ए, एक मिनट ए यहां है ना, अब मुझे ए चाहिए, तो अब ए कैसे निकलेगा, वही का कुछ तो मिस हो रहा है। देखो आपका इन दोनों का डॉट जीरो मैंने करा दिया, इन दोनों का भी डॉट जीरो करा दिया, क्या इन दोनों का डॉट जीरो हो रहा है, आपने ये चेक किया, इन दोनों का डॉट जीरो नहीं हो रहा है ना आपस में। और आपको पता है कि जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, आपस में ऑर्थोगोनल होता है। तो इसका क्या मतलब है, यह जो आइगन वैल्यूज मिला है, ये जो आइगन वेक्टर्स मिला है, ये क्या मिला है, एक ही आइगन वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग मिला होगा ना, यह जो मिला है वो एक ही आइगन वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग मिला होगा। तो जब ये एक ही आइगन वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग मिला होगा तो सर ऐसे कैसे हो सकता है, आइगन वैल्यू तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे m भी इक्वल टू लेमडा वन भी, ठीक है, m u इक्वल टू लेमडा टू भी टू u एंड m w इक्वल टू लेमडा थ्री w, सही है। इसके जो कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स मिलेगा आपस में ऑर्थोगोनल होगा, ये हमें मालूम है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब ये रूट रिपीटेड हो गया, और चूंकि ये डायगोनलाइजेबल है, तो जब ये डायगोनलाइजेबल है तो यह जो यह लेमडा टू रिपीटेड हो गया, यानी लेमडा रिपीटेड हो गया, तो जो 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 यह यू मिलेगा, यानी जो लेमडा के कोरस्पोंडिंग आयन वेक्टर्स मिलेगा, उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दो होगी ना, क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दो है, यानी लेमडा लेमडा टू टाइम्स आ रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि तीनों का डॉट आपस में जीरो होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है ना। देखो तो इसका इससे करा दिया, इसका यानी इसका दोनों के साथ डॉट जीरो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप इसको दो के सम में लिख लो, सी वन टाइम्स यू ई वन प्लस सी टू टाइम्स यू थ्री, ये लिख लो, यू टू लिख लो आप, ये क्या हो गया, ये C1 C2 आपस में इंडिपेंडेंट हो गया। अब इसका डॉट, इसका इन दोनों का डॉट क्या होगा, इसका डॉट इन दोनों के साथ जीरो होना चाहिए, जो कि हो रहा है ना, चेक करो, इसका डॉट इन दोनों के साथ जीरो हो रहा है ना, होना ही चाहिए, नहीं तो होगा ही नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ही नहीं। तब ये दे रखा है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये बात मेरी समझ में आई आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि यदि तीन डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो आपस में ऑर्थोगोनल हो रहा है, नो डाउट, यानी यहां पर दो ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिल रहा है ना, लेमडा वन और लेमडा, तो जो इसके कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर्स मिलेगा, यानी यह इसको आप यू ले लो ना, इसको आप यू ले लो, तो वी डॉट यू जीरो होगा, क्लियर है। चूंकि इन दोनों का डॉट जीरो नहीं हो रहा है, इन दोनों का डॉट आपस में जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यू क्या है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका नाम कुछ नाम दे देता हूं, क्या नाम दे दो, चलो यू वन प्लस सी टू यू टू दे देता हूं। देखो इन दोनों का डॉट जीरो हो रहा है ना भी के साथ, समझ में आया, यानी हाँ, अब ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होना जरूरी नहीं है, नहीं हो रहा है ना ऑर्थोगोनल, लेकिन इंडिपेंडेंट तो हो रहा है ना, डिफरेंट आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होता है, लेकिन 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 यह आपस में जरूरी नहीं है कि यह आपस में ऑर्थोगोनल होगा, यह जरूरी नहीं, हाँ इंडिपेंडेंट हमेशा होगा, इसकी गारंटी है। तो हो गया,
तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो देखो यानी हमें ए की वैल्यू चाहिए थी जो मुझे मिल चुका है। फिर एक्स इक्वल टू इतना है सेटिस्फाई एम एक्स इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू, देख रहे हो ना वी प्लस डब्ल्यू कह रहा है कि एक्स क्या होगा, ये होगा सच दैट कि वो वी प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो देख लो वी प्लस डब्ल्यू यह क्या होगा, ये आपका आइगन वेक्टर होगा ना, मालूम है ना कि ये आइगन वेक्टर है, ये आइगन यह क्या है आइगन वेक्टर है वी। देखो जब यह भी आइगन वेक्टर है ये भी आइगन वेक्टर है तो वी प्लस डब्ल्यू क्या होगा आइगन वेक्टर होगा। जब आप इसमें एम ऑपरेट करोगे क्या होगा 2 times v plus w होगा। तो 2 times v plus w करके देखो कितना आ रहा है, दोनों का सम कीजिए कितना होगा, इन दोनों का सम यहां पर 0, 3 और 1 ये आ गया। ये समझ में आया, आइगन वैल्यू 2 है तो ये आएगा v plus u यही आ रहा, यानी v plus u क्या है 0, 3, 1 है। तो इसके कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर 2 मिलेगा, ये हो गया। तब कह रहा है कि x x तो क्या x हो रहा है, तो इस x को इधर लेते हैं, ये क्या हो गया m x equal to v plus w कह रहा है ना, v plus w कह रहा है। तो मैं काम करता हूं दोनों साइड ना, ये v plus w ये कुछ तो देखो यार रिलेट करो हो गया है ना, v plus w मेरा ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये v plus w है। तो जब मैं इसमें m से ऑपरेट करूंगा तो मुझे यहां पर कैसे इसको करूं मैं, कुछ तो हो रहा है, ये v plus w है। ओ हाँ हो गए, हो गए, चलो हो गया। तो ये आ गया आपका 2 times 0, 3 और 1, ठीक है। और ये क्या है बाबू, ये है और मुझे यही चाहिए ना एक साइड, तो इसको इधर लेते आओ, तो m अपॉन v प्लस w अपॉन 2 हो गया और इक्वल टू ये। ये समझ में आएगा, इस 2 को हटा दो, इस 2 को हटा दो, ये और ये क्या है बाबू x है, m x इक्वल टू क्या हो गया 0, 3, यानी ये हो गया v प्लस w। तो हो गया x मिल गया ना, तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है और x क्या आएगा, यही होगा। तो थोड़ा शांत दिमाग से सोचना है, हो जाएगा। फिर फॉर एनी d बिलोंग्स टू स्पैन u v w m x इक्वल टू d हैज अ सॉल्यूशन, ये कह रहा है कि फॉर एनी d बिलोंग्स टू हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन तो क्या हमेशा सॉल्यूशन रखेगा, क्या इसके पास हमेशा सॉल्यूशन होगा, फॉर एनी डी बिलोंग टू स्पैन ऑफ यू वी डब्ल्यू एम एक्स इक्वल टू डी हैज अ सॉल्यूशन, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा ना, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है और ये आर क्यू का एलिमेंट है, या आर क्यू का ही एलिमेंट है ना। तो जब एम एक्स इक्वल टू क्या होता है, जब एम एक्स इक्वल टू डी होता है और इसके पास नो सॉल्यूशन होता है तो एक ऐसा डी जरूर मिलेगा जिसके लिए ये सॉल्यूशन देगा। तो इसका उल्टा भी तो बाबू होगा, यदि इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो एक ऐसा डी जरूर होगा जिसके लिए यह नो सॉल्यूशन देगा। क्लियर है, यानी ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है, फॉर एनी कह रहा है, फॉर एनी नहीं हमेशा ट्रू नहीं है। द ट्रेस ऑफ, हाँ तो इसका आइगन वैल्यू मिल गया है ना, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू पॉलिनोमियल निकालना आता है ना, तो 0 हो गया, 0 के लिए 2, 4 + 4, 8 हो गया ना, 4 + 4, 8 हो गया, यानी 8 + 8 क्या होगा, ट्रेस कितना होगा, यहाँ पर 16 होगा ना, ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर प्लस 2m क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि इसका एक आइगन वैल्यू कितना होगा, 8 होगा और दूसरा आइगन वैल्यू भी 8 होगा क्योंकि रिपीट कर रहा है, यानी इसका ट्रेस 16 होगा, तीसरा
दूसरा आइगन वैल्यू जीरो होगा, जीरो होगा तो ट्रेस 16 होगा, तो ये भी गलत बोल रहा है। तो आइगन वेक्टर्स मिलता है, ठीक है ना, दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, यानी वो कब मिलेगा, जब रिपीटेड होगा, जब आइगन वैल्यू रिपीट, वो मिलेगा ही मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। इन जनरल ट्रू नहीं है, इन जनरल ट्रू नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा आपस में इक्वल होता है, हमेशा ही इक्वल होता है, तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जरूरी नहीं है कि आपस में ऑर्थोगोनल हो, उसका जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब इतना टाइम इस पे दिया हूं, आप ये कंसेप्ट शायद ही आप भूलोगे और इस पर मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ठीक है। तो सेवेंथ नंबर हो जाएगा ना, इसमें इसमें क्या करना है कि एफ जी क्या ट्वाइसली है, ये आपस में इक्वल है, अच्छी बात है, और एफ डैश वन इक्वल टू टू है, जी डैश वन इक्वल टू फोर है, एफ ऑफ टू इक्वल टू थ्री है। तो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लेस देन फोर है, इंप्लाई एक्स लाइज बिटवीन माइनस थ्री टू, ये अब ये हम कैसे करेंगे, ये हम कैसे करें भाई, दिमाग भी काम करना बंद कर दिया क्या मेरा, एफ तो मेरे पास है नहीं, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेट करो बाबू, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सही है, फिर से इंटीग्रेट कीजिए, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट हो गया, अब हो जाएगा। ऐसे मीन वैल्यू थ्योरम जो सोचेगा सोचते रह जाएगा ना, तो आपको तो इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये पहले ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे रखा है, तो बाउंडेड होगा, तो ऑब्वियसली बात है, और मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा दोनों का सम, क्योंकि दोनों के दोनों कन्वर्जेंट हो जाएगा, सेम सी के साथ होगा, दोनों कन्वर्जेंट होगा तो सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये आसान था ना, ए सी और डी होगा, चेक करना, ए वन ए टू ए थ्री निकाल करके हो जा रहा था, बी वन बी टू, चलो ये भी आसान है, निकाल लोगे ना, ठीक है, ए और बी दोनों आ रहा है, ठीक है सही कर दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही फील कर रखा था, क्योंकि कल बहुत ज्यादा वो हेडेक भी हो रहा था ना मुझे, ये तुमने क्यों नहीं क्वेश्चन किया है, ये तो आसान था ना, ये मैंने किया था बट वो सेव करने का जो, ओके 0.0 फील करना, वो एक क्वेरी आया था, वो 0.0 फील करना, ठीक है, तब वो ले लेना, जीरो की केस, इसका आंसर 5 आएगा ना, तुम्हारा 60 आ गया, ये कैसे, है कोई बात नहीं, हाँ इसका आंसर 1 आएगा, यहाँ पर एफ एक्स आप क्या कंसीडर कर लेना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 आप कंसीडर कर लोगे, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और ये भी सेटिस्फाई, यानी तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो गया, चूंकि एनएटी में है तो किसी भी एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक आप ऐसा एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लो जो ये तीनों कंडीशन को होल्ड करे, आप उसको यहाँ पर पुट कर दो और निकाल लो। यहाँ पर क्या अप्लाई करना था, हाँ आप आपको मैं बतला दूं, रीमान इंटीग्रेशन को शामिल क्यों किया था, तो रीमान इंटीग्रेशन को केवल रीमान इंटीग्रेबल क्वेश्चन देने के लिए शामिल नहीं किया था, सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था इसलिए इसको इंक्लूड किया था। तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपने बाई पार्ट से किया है क्या, कैसे किया, मैंने तो वो एक्सपेंड कर दिया था, एक पार एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हम यदि e का पार एक्स स्क्वायर 0 to 1 में कॉन्टिन्यूस है ना, तो इसके बीच में वैल्यू होगा ना, ये सही है,
ई होगा। अब एन इंटू एक्स टू डी पावर एन, एन इंटू एक्स टू डी पावर एन से डिवाइड देना, तो एन इंटू एक्स टू डी पावर एन से यदि मैं डिवाइड देता हूं तो क्या हो जाएगा, एन एक्स टू डी पावर एन, एन एक्स टू डी पावर एन ई का पावर एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा आपका एन ई एक्स टू डी पावर एन। और यदि मैं जीरो से वन को बीच में इंटीग्रेट करता हूं तो ये वन आ जा रहा है, नहीं वन ये ई आ जा रहा है। ये मालूम नहीं चल रहा है कि इसका क्या होगा, इसके तो बीच में होगा ये तो पता होगा, यानी जीरो नहीं होगा ये अब श्योर है। तो जीरो नहीं होगा तो वही बाई पार्ट भी हम लगा सकते हैं ना, तो बाई पार्ट लगाओगे तो एन इधर आ जाएगा तो यहाँ पर वन बचेगा, यानी ई हो गया माइनस, माइनस डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, एन एन प्लस वन आया था ना, एन प्लस वन यानी एन इंटू एन प्लस वन आ जाएगा, और एक्स टू डी पावर टू एन प्लस वन हो जाएगा, e का पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही ना एक्स टू का एन प्लस टू हो जाएगा e एक्स स्क्वायर। फिर से आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो अब एन नीचे आ जाएगा ना, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये जीरो की तरफ चला जाएगा क्योंकि ये बाउंडेड हो जाएगा ना, ये यहाँ पर अभी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ये बाउंडेड हो गया, इंटीग्रेशन करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, या आप यहाँ पर वो वाली चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली चीजें देखो यहाँ पर मैं अप्लाई करके दिखवा देता हूँ बाय सैंडविच थ्योरम से। ये हो जाएगा आपका वन ई का पावर एक्स स्क्वायर लेस देन ई, ये सही है ना, ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब x टू डी पावर n प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या आएगा, जीरो, इधर क्या आएगा, जीरो, तो बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब ज्यादा क्लियर हुआ होगा ना एक्सपेंशन के कंपेयर में, ये तो आसान है ना रेशियो टेस्ट से, ये आप निकाल लोगे ना, ये भी इजी है, ठीक है ना, ये इजी है निकाल लेना, ये ग्रुप थ्योरी वगैरह पूछ लेना, ये भी इजी है, ये भी गेट का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। थ्री क्रॉस थ्री का है, दो आइगन वैल्यू यहां से मिल जाएगा, तीसरा आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट से मिल जाएगा तो ट्रेस निकल जाएगा। इसमें क्या करना था, इसमें सब्स्टिट्यूशन, हाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो एक लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा, तो आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो रीजन भी रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, हिंट मिल रहा है, यहाँ पर x इंटू वाई को आपको क्या पुट करना है, x इंटू वाई को टी, यहाँ पर x एक छोटा है क्या, y इक्वल टू टू ही होगा, चले ठीक है, और यहाँ पर y इक्वल टू सिक्स है, ठीक है, x इंटू वाई को U ले लेना और Y को अब V ले लेना, हो जाएगा। ये भी काफी सिंपल है, F of X equal to X है, ये ध्यान से देखो आप, F of X equal to X हो रहा है, हो गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो काफी लंबा हो गया, हो ही गया, अब तो ये हो गया है, चलो ठीक, ये सरफेस एरिया वही गया, ये तो आसान था ना, ये आप क्यों नहीं सोच पाए, होता है कभी कभी, x टू डी पावर m प्लस वन हो जाएगा ना, अब इसको अंदर लेकर के आओ, ये जीरो हो रहा है ना, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वन अपन ई माइनस जीरो पुट करोगे तो वन माइनस वन जीरो, वन अपन एक्स क्यूब बच रहा है, अंदर अब कितने x से मल्टीप्लाई करोगे, कितने पावर से मल्टीप्लाई करोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया,
क्लियर है क्या? अभी भी नहीं आया क्या समझ में? हेलो, नहीं जी ठीक है सर। चलो ठीक है सर। हाँ ये वाला 16 नंबर, ये भी तो आसान है ना। टी दे रखा है, टी स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर टी स्क्वायर दे रखा है, तो कुछ करना ही नहीं है, रैंक ऑफ टी बतलाना है। तो रैंक ऑफ टी कैसे निकलेगा? तो 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 ये है ना, तो टी स्क्वायर इक्वल टू ये है, देखो इसका इमेज ये है और टी स्क्वायर इक्वल टू ये है, टी ऑफ वन कॉमा वन ये, यानी वन माइनस वन का इमेज ये आ जाएगा, अच्छी बात है, और टी स्क्वायर वन वन टू ये है, यानी ये तीनों आपस में लिनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है ना, वी वन वी टू वी थ्री। देखो चलो ये इसको आप टी भी मान लो, तो टी भी इक्वल टू यू हो रहा है, वी वन कर देता हूं, और यहां पर देखो तो बाबू टी ऑफ टी टी ऑफ वी कितना हो रहा है, यू हो रहा है ना, तो टी ऑफ यू इक्वल टू कितना हो रहा है, कितना भी है उससे हमें मतलब नहीं है, वी वन आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर वन वन टू, तो वन वन टू देखो इसका इमेज क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखो, तो यदि आप ध्यान से देखिए तो इसका इमेज वी वन आ रहा है, वी वन कहाँ है, वी वन कहाँ है, यही है ना वी वन, हमने इसी को वी वन मान रखा है ना, इसको वी वन मान रखा है, तो देखो टी स्क्वायर वन वन टू का इमेज, यानी टी ऑफ वन वन टू क्या आएगा बताओ, ताकि इमेज वी वन आ जाए, यह यू आएगा ना, यह यू आएगा ना, ये समझ में आया? यानी वन वन टू का भी इमेज कितना आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है, और टी ऑफ वी वन का भी इमेज कितना आ रहा है, वी वन का भी इमेज यू आ रहा है, और इसका भी इमेज यू आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तब तो यहाँ पर कुछ तो हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि इसके पास नलिटी होगा, नल स्पेस होगा, नल स्पेस होगा, तो अब नल स्पेस निकालना है, तो ये हम कैसे निकाले? यानी दो इंडिपेंडेंट वेक्टर का, दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का क्या आ रहा है, इमेज कितना आ रहा है, यही आ, यानी हम इमेज की बात करें, इमेज की बात करें तो इमेज हमारे पास कितना आ गया, देखो तो टी ऑफ ये, यानी वन वन टू, वन माइनस वन वन और वन वन वन, देखो ये एल आई है ना आपस में, और इसके कोरस्पोंडिंग इमेज क्या मिल रहा है, इसके कोरस्पोंडिंग इमेज वन माइनस वन वन मिल रहा है और वन 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 ही मिल रहा है, तो रेंज का डायमेंशन कितना है, दो है ना, तो जब रेंज का डायमेंशन दो है तो लाइन कितना हो गया, दो हो गया, समझ में आया? ये पहले चेक कर लेना कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, हाँ तो रैंक ही पूछा है, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, डायमेंशन क्या होता है, रैंक होता हो गया, तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि एल आई है कि नहीं है, तीन लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का इमेज दो डायमेंशनल आ रहा है, इसका मतलब कि रेंज का, और ये पूरा का पूरा कवर कर लिया ना, पूरा का पूरा आर क्यू को कवर कर लिया, जब आर क्यू को कवर कर लिया और उसका इमेज आर टू में मीन्स टू डायमेंशनल हो रहा है, मीन्स हो गया रैंक टू हो गया, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये भी ये तो आसान है, करा चुका हूँ क्लास में, ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन इसमें ज्यादा रिपीट हो गया, क्या नहीं ये वाला हो गया, तो ही रिपीट हुआ है, हाँ ये हो गया है ना, हाँ सर ये हो गया, अच्छा तो आपका ये टोटल पूरा पेपर कंप्लीट डिस्कशन हो गया, ये वाला सर लास्ट वाला थोड़ा लास्ट वाला बाबू क्या कीजिए ना, आप डिफरेंशिएट कीजिए ना, पहले आपने डिफरेंशिएट किया है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, यही आएगा ना, और एफ वाई क्या आएगा, सिमिलरली हो गया, यहाँ पर एक्स क्यू निकाल लो,
तो कितना होगा, सॉल्व कीजिए इसको। तो इसको 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 मैं कैसे सॉल्व करूं इस चीज को, तो एक मैं काम करता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं आपका एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं, चलो एक्स क्यू प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, और यहां से आ जाएगा टू वाई क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। सही है ना, सही है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो एक काम करता है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देता हूं। तो जब बाबू आप इक्वल करोगे तो क्या आएगा, टू एक्स क्यू प्लस वाई एक्स स्क्वायर, यानी यहां से क्या कॉमन हो रहा है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, बच जाएगा आपका टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन हो रहा है और यहां से क्या बच रहा है, ओके टू वाई प्लस एक्स बच रहा है। नहीं और कोई सोल्यूशन है ना, एक और वे है, चलो आपस में इक्वल कर दो और दोनों को एक साइड लेते हैं। तो टू इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इक्वल टू, इसको मैं इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, एक्स वाई कॉमन हो जाएगा तो वाई माइनस एक्स, कुछ ऐसा कुछ इस टाइप का बचेगा ना, चेक कर लो, कुछ इस टाइप का बचेगा, माइनस का ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा का नहीं आएगा, हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा जब आप कीजिएगा तो ठीक है, मैं कर देता हूं आराम से। सबको एक साइड लेकर के आ जाओ, यहां से टू एक्स, यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, टू इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां से एक्स वाई बाबू कॉमन हो रहा है, तो एक्स वाई कॉमन हो गया तो वाई माइनस एक्स बच रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों को एक साइड लेकर के आ जाते हैं, तो जब इन दोनों को एक साइड लेकर के आ जाओगे तो यहां पर x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा और यहां से x स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, समझ में आया। तो यहां से क्या आएगा, यहां से y इक्वल टू x आएगा या y इक्वल टू माइनस x आएगा, हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो बाबू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए। तो जब आप यहाँ पर x इक्वल टू y को पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू y यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू y तो हो जाएगा आपका 2x, 2x यानी 3x हो जाएगा ना, 3x माइनस 1 अपन x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हो जाएगा 3x क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स क्यू इक्वल टू वन अपन थ्री, सही है। सिमिलरली वाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपन थ्री, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, वन बाई थ्री यानी टू बाई थ्री, यानी जीरो पॉइंट 0.667 या 0.67 हो गया।